खबर गाजीपुर जनपद से, जहां मंगलवार की रात कमला यादव की 1.5 लाख रुपए की भैंस को चोरों ने उड़ाया। जी हां, कमला यादव की भैंस को दरवाजे के सामने खूंटी से चोरों ने उड़ाया, लेकिन कोतवाली में एफआईआर नहीं लिखा गया। बता दें कि गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील अंतर्गत महार गाँव में दरवाजे के सामने से खूंटे में बंधे भैंस को चोरों ने खोल लिया। बताया जा रहा है कि प्रतिदिन पुलिस गश्त करने के लिए उस क्षेत्र में जाती थी, लेकिन मंगलवार की रात पुलिस गश्त के लिए महार गांव की तरफ नहीं गई और मंगलवार की रात्रि भैंस दरवाजे से खोली गई। चोरों को शायद पता था कि पुलिस आज गश्त पर इस क्षेत्र में नहीं रहेगी, या यह संजोग कहा जाए कि चोर भैंस चुराने में कामयाब रहे। घटना के बारे में कमला यादव ने बताया कि मैं भैंस से 20 मीटर की दूरी पर ही सोई थी, लेकिन कानों कान खबर नहीं लग पाई। जब भैंस का पड़वा घर आकर बोलने लगा तब हमारी नींद खुली और देखा रोड पर पिकअप खड़ी है, खूंटे से भैंस नदारद है। तब हमने शोर मचाया तो मैजिक गाड़ी को लेकर चोर सीखड़ी बाजार की तरफ भागने लगे। फिर हमने 112 नंबर पर फोन किया, लेकिन 112 नंबर 2 घंटे लेट आए और चोर तब तक काफी दूर निकल चुके थे। क्षेत्र में भैंस चोरी का मामला आए दिन हो रहा है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी निस्तारण नहीं मिल पा रहा और यहां तक कि एफआईआर लिखने के इनकार किया जा रहा है। शासन प्रशासन की इसी रवैया से चोरों बदमाशों का हौसला बुलंद होता जा रहा है। चोर भैंस व पड़वा के ऊपर केमिकल का प्रयोग किए थे। केमिकल खूंटे के बगल में जहां जहां गिरा था वहां जगह सफेद हो गई थी। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट। 12 बजे रात को कुछ चोरों द्वारा इनकी कीमती भैंस, लगभग आज के मार्केट में उसकी कीमत 1.5 लाख रुपए, वो भैंस चुरा ली गई। और इन लोगों को जब तक पता चला तब तक वो काफ़ी दूर निकल गए थे। पीछा करने के बावजूद वो भैंस चोर पिकअप से लाद करके भैंस लेकर के चले गए और इन्होंने 112 नंबर पर फ़ोन किया। भुड़कुड़ा पुलिस यहाँ आई, मौके का मुआयना करके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ये जगह है जहाँ भैंस का ये केमिकल गिरा करके उठाया गया है। इधर देखिए ये सब केमिकल का प्रयोग करके भैंस को चुरा ले गए और बेचारे ये कमला यादव जी अपनी बात को रखने के लिए थानाध्यक्ष भुड़कुड़ा गए, प्रार्थना पत्र देना चाहा, इन्होंने प्रार्थना पत्र लेने से इनकार कर दिए। एवज में ये कहने लगे कि आपको भैंस चाहिए या प्रार्थना पत्र देना है। ये बेचारे सीधे साधे 65-70 वर्ष के बुजुर्ग, इनको ये लगा कि मेरी भैंस से ज़रूरत है, किसी को मैं FIR क्यों करूं? तो लोग इनको बहाला देते रहे और भैंस आज तक नहीं मिली। अब जवाब में ये मिल रहे हैं कि भैंस नहीं मिली तो हम क्या करें, तो आप आइए, मैं कमला जी से आप बीती सुनता हूँ और आप देखिए। सर अपना अपना नाम बताइए। कमला यादव। ग्राम महार बुजुर्ग। अच्छा ये बताइए आपकी भैंस कहाँ से छोड़ी गई थी? यही स्थान है, इसी खूंटे में बंधी हुई थी। अच्छा अच्छा, तो आपने पुलिस को कितने बजे इतला किया? जब लेकर के भैंस चले गए उसके तुरंत बाद जो है 12:30 मैंने 1 बजे करी, तो पुलिस को हमने सूचना दिया। पुलिस जो है सुन करके मौन रह गई और 1.5 घंटे के बाद जो है दो जो है बाइक से पुलिस आए और पूछ जांच के और चले गए। इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। रात भर सुबह आप द्वारा प्रार्थना पत्र देने की बात कही गई थाने पर। हाँ, तो प्रार्थना पत्र आपको देना चाहिए था ना? प्रार्थना पत्र हमने दिया, लेकिन प्रार्थना पत्र लेने से इनकार कर दिए। कौन इनकार किया? थाना अध्यक्ष। क्या कहे? कहे कि आपको भैंस चाहिए या प्रार्थना पत्र देना है। इसका मतलब आपकी बातों से ये लगता है कि भैंस अपने पॉकेट में रखे हैं? तो न प्रार्थना पत्र हमारे स्वीकार किए, न लिए, न भैंस दिए। और क्या कहते रहे, क्या आपको कहते रहे? कल दिन भर जो है 11 तारीख के दिन भर सुबह से शाम तक कहते रहे कि आपकी भैंस मिल जाएगी। जब हम लोग को कह दिए कि आप घर चले जाएगी, भैंस आपकी जो है 10:30 बजे रात में चली जाएगी और हम लोग कह देंगे, आपको सूचना दे देंगे, आप भैंस ले लेंगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ये बात कौन कहा? वो जो है थाने के लोग कहे। थाने के लोग कहे? हाँ। कि आपकी भैंस रात में आ जाएगी, आपको ले जाइएगा? हाँ। अरे अच्छा, कैसे? और पता नहीं कैसे कहे लोग। आपकी बातों से लग रहा है कि पुलिस और
जो भैंस चुराने वाले सब मौसियारे भाई हैं क्या? ऐसा ही तो लग रहा है। तो आप इसके बाद क्या करना चाहेंगे? अब इसके बाद मैं अपने बात को जो है आगे बढ़ाऊंगा। कहाँ अभी कहीं दरखास्त दिए हैं कि नहीं दिए हैं? एसपी के यहाँ दरखास्त दी है। तो एसपी साहब आपको क्या कहे? मैंने उसके बदले में कहे कि शाम तक लेटर जो है थाने पर चला जाएगा। अच्छा, और फिर बुलाए हैं मंडे के दिन कि आकर के ऑनलाइन जो है मुख्यमंत्री जी को जो है तो अप्लीकेशन दे दिया जाएगा। मतलब आपकी बात से जाहिर हो रहा है कि आप प्रार्थना पत्र देने गए और प्रार्थना पत्र लेने से यशो भुड़कुड़ा इनकार कर गए? जी बिल्कुल इनकार कर गए। आज तक अभी प्रार्थना पत्र हमारा नहीं लिखा गया है। शायद यशो भुड़कुड़ा रहे नहीं होंगे थाने पर। बिल्कुल थे। आप पहचानते हैं उनको? हाँ, यशो भुड़कुड़ा को पहचानते हैं। यहाँ भैंस बदी थी और उसकी परिया यहाँ बदी थी। भैंस को ले जाने में समर्थ रहे, परिया किसी तरह जान बचा करके भग के आई और शोर करने के बाद कमला यादव इसी बैठके में सोए हुए थे और तुरंत जगने के बाद देखे कि पिकअप से लाद करके मेरी भैंस जा रही है और इसके तुरंत बाद थाना भुड़कुड़ा को इत्तला किए और पुलिस आने में 2 घंटा लगाई। यह पुलिस की कौन सी मजबूरी रही पुलिस जानती है।